जब मैं छोटा था और मैं गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था, मैं गांव में भीख मांगता था। जब मैं आपने आप लोग भी इस बात को जानिए, जब आपके घर में कोई भीख मांगने आता है ना, तो आप उसे वो चावल नहीं देते जो आप खुद खाते हैं, आप उसके लिए और माइनस वाला जो होगा, जो छटेल बचा होगा, वो आप के भीख ही तो मांगने आया, वो वाला अच्छी क्वालिटी का तो आप खुद खाते हैं, और अच्छी क्वालिटी से जो डल होता है वो आप भिखारियों के लिए अलग से शायद आप ना रखें, पर गांव में कुछ लोग रखते थे खाने के लिए, वो अलग यूज करते हैं और उसकी जो छाटन बचती है ना, वो भिखारियों के लिए रख जाता है कि कोई आएगा ये वाला भिखारियों के लिए। तो मैं जब भीख मांगने जाया करता था तो कुछ घर में मुझे वही चावल मिलता था जो लोग वो खुद खाते हैं, पर कुछ घरों में वो चावल मिलता था जो लोग जो वो खाते तो दूसरा पर देने के लिए अलग था। कई बार गेहूं ऐसी दी जाती थी जिसमें घुन लग चुका है, जिसमें कीड़े थे, क्योंकि अच्छी तो आदमी पिसा के अपने लिए रख लेता है, जो घुन जाती है वो भिखारियों के लिए रख जाती है। तो मैंने वो गेहूं भीख में पाए, कई मैं भिक्षा में ब्राह्मण शरीर है तो भिक्षा हमने बचपन में मांगी है, क्योंकि गरीबी बहुत अधिक थी जीवन में, तो हमने भिक्षा भी मांगी। तो हमने देखा कि लोग खाने के लिए कुछ और रखते हैं, देने के लिए कुछ और रखते हैं, तो भगवान से कभी मन में निकल गया होगा भाव कि हे प्रभु, कभी आप मुझे सामर्थ्यवान बनाएंगे तो मैं वही खिलाऊंगा जो मैं स्वयं खाता हूं, मैं ये कपट नहीं करता, मैं कपट नहीं करना चाहता, और ये कपट मैं करूंगा तो वो कपट मुझे नरक ले जाएगा। मैं आपके साथ गलत करूंगा तो वो गलत आपके साथ नहीं होगा, वो मैं अपने साथ ही तो गलत कर रहा हूं, मुझे भी तो उस गलत का हिसाब वहां देना है, बचेगा कोई नहीं, कर्म दंड सबको भोगने पड़ेंगे, राजा हो या रंग। इसलिए मेरी मां, आप भी ये कोशिश कीजिए कि जो आप खाते हैं वही खिलाएं, जो खीर मैं स्वयं खाता हूं वही खीर जब बनती है तो आप सबको परोसता हूं, और सबको खिलाने के बाद जो बचती है उसे मैं प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता हूं थोड़ी सी। हमेशा मैं आपको खिलाने के बाद खाता हूं। हजारों संत भोजन करते हैं, नीचे की रसोई चालू होती है, आप जैसे भक्त खाते हैं तब जाके मैं कुछ खाता हूं। मेरा नियम है कि पहले आपको खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। मेरी वृद्ध माताएं हैं, मेरी 250 माएं हैं, मेरी माएं जो कहती हैं कि आज मुझे ये खाने की इच्छा है बेटा, जो कह देंगी माँ वो बनता है, उसी दिन बनता है। माँ कह देंगी कि आज हमें रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला ही बनेगा, माँ कह देगी कि जलेबी खानी है तो जलेबी ही बनेगी, माँ कह देंगी कि ये खाना है वही बनेगा। हमारी माओं को हर दिन नाश्ता बदल बदल के दिया जाता है, हर दिन साग सब्जी भोजन में इत्यादि मिष्ठान बदल बदल कर दिए जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम ये मानकर सेवा करते हैं कि ये माँ के रूप में आप अतिथियों के रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हम आपसे कपट करेंगे तो वो कपट भगवान से होगा, क्योंकि आप भगवान हैं। आप माने ना माने, जाने ना जाने, पर भगवान ही सब में व्याप्त हैं। भगवान नर ही नारायण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में ईश्वर है। आप अपने लिए आप कुछ माने, पर मैं आपको भगवान मानता हूं, अतिथि देवो भव मैं मानता हूं। तो मेरा धर्म है कि भगवान को बढ़िया से बढ़िया खिलाना चाहिए, मैं आपको भगवान मानकर खिलाता हूं, मेरे लिए आप ही भगवान है, अतिथि ही भगवान है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मैं कपट नहीं करता, जितना होता है कोशिश करता हूं कि जीवन सादगी से जिया जाए और आपको भी सादगी का मैसेज दिया जाए। मैं जो कहता हूं वही करता हूं, मेरी माँ, मेरी कहनी और मेरी करनी अलग अलग नहीं, यदि आपकी कथनी और करनी अलग हो गई वही कपट है, वो क्या हो जाएगा, कपट हो जाएगा। जैसे रूम में मैं सोता हूं, जिस पलंग में मैं सोता हूं, जिस गद्दे पर मैं सोता हूं, उसी गद्दे पर, उसी पलंग पर, उसी क्वालिटी के पलंग पर, वही रूम पर, वैसे ही व्यवस्था पर मेरी वृद्ध माताएं भी रहती हैं। मैंने अपने लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं कराई, जो व्यवस्था मेरी माओं की है वही व्यवस्था हमारी है, अलग से नहीं।
बस जीवन थोड़ा सा है, कपट करने से क्या हम धन्ना सेठ हो जाएंगे? क्यों जी, क्या हम पालेंगे? हम आपसे कपट करेंगे। सोचो यहाँ 20,000 लोग रोज भोजन करते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में, और मैं 20,000 लोगों से कपट नहीं करता, सबको वही खाना जो हम खाते हैं। और आजकल परिवार में 2-4 लोगों का परिवार है, 2-4 लोगों से ही कपट कर करके लोग मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा, ये मेरा, बांध कर कोई नहीं ले जाता, लेकिन फिर भी मर रहे हैं। क्यों मैया सही? कपट ना किया करो मेरी माँ, जो करेंगे हम अपने लिए करेंगे। मैं आपको गाली दूंगा, मैं आपके गाल में एक थप्पड़ मारूंगा, तो आप तो कल आप तो चले भी जाएंगे, भूल भी जाएंगे, पर वो थप्पड़ मुझे मेरे लिए खड़ा हो गया, वो थप्पड़ मेरे लिए खड़ा हो गया, वो थप्पड़ इंतजार करने लगा कहां गलती करो, कहां पढ़ू। एक मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ खड़ा, वो एंट्री खड़ी है। अब जब तक तुम्हें पड़ेगा नहीं, किसी के द्वारा कैसे भी पड़ेगा जरा, तब तक वो एंट्री खड़ी रही। मैंने आपको गाली दी, मुझे मिलके रहे, कोई देगा कौन देगा वो राम जाने, पर मिलेगी। इसलिए हम जो आपके संग कर रहे हैं वो हम आपके संग नहीं, वो हम अपने लिए ही बो रहे हैं, अच्छा या बुरा। कहते कहावत तो आपने सुनी होगी, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए, जैसी करनी वैसी करनी।